हेलो दोस्तों दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय के ऊपर। तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से अगर किसी ने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो चलिए बिना किसी देर के समझते हैं और देखते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का किस प्रकार का आने वाला है। तो आप पूरा देख सकते हो, इसमें मैं आपको पूरा पेपर का फॉर्मेट और सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए आपको, तो आपको समय मिलेगा इसके लिए 3 घंटे का और इसके लिए पूर्णांक होगा 80 अंक का। जी हाँ, इसका लिए आपका पूर्णांक पूरा 80 अंक का होने वाला है। आप इसमें देख सकते हो 80 अंक का पूर्णांक होगा और 3 घंटे का लगभग इसमें आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर आप निर्देश पढ़ सकते हो, सभी प्रश्न जरूरी है, आप इसको देख सकते हो और उन्हीं के सामने उन प्रश्नों के उत्तर दिए, क्वेश्चन के सामने ही अंक निर्धारित दिए गए हैं। यहाँ पर 2 निर्देश ऐसे दे रखे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र आपका आने वाला है, क्या फॉर्मेट आपका होने वाला है। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हो, सेक्शन ए में आपको एक पैसेज हल करने को दिया जाएगा। यह सेक्शन ए का पैसेज है, चाहे तो आप इसको रोक के नोट कर सकते हो, इससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सेक्शन ए का पैसेज है, आप इसको देख लीजिएगा और उसी से संबंधित प्रश्न नीचे दे रखे हैं, आप इनको हल करके जरूर देख लीजिएगा। ये सेक्शन ए के पैसेज के कुछ प्रश्न आप इसमें देख सकते हो, ये वाले प्रश्न आप इसको देख लें और नोट कर लें आप सभी लोग इन प्रश्नों को। ये वेरी IMP प्रश्न है, आप सभी लोग इनको देख और नोट कर सकते हो। तो ये सारे प्रश्न हैं, आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और एक इस पैसेज का ले लीजिएगा। तो चलिए सेक्शन ए का पैसेज लगभग आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो में यहाँ पर लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो ये 8 अंक का एक और पैसेज आता है, आपको इसे पढ़ना है, समझना है और हल करना है और ये पूरा का पूरा है, आप इसको देख सकते हो। इसमें से ये कुल प्रश्न बनेंगे, आप इसको पढ़ के समझ के देख लेना। यह एक अलग से वीडियो इस पेपर के ऊपर मैं बना दूंगा जिससे कि आपको पूरा इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को देख लें अच्छे से और इनको याद कर लें। उसी क्रम में आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसको देख सकते हो, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इन द गिव सुइटेबल टाइटल इन द समरी इनटू। यानी कि इसमें आपको नोट मेकिंग समरी तैयार करनी है, इसमें से आपको नोट्स बनाने हैं, सुइटेबल टाइटल देना है और समरी तैयार करनी है। 3 चीज़ें इसमें से पूछी जाएगी, आप इसमें देख सकते हो। यहाँ पर दिया गया है नोट्स बनाना है और समरी टाइटल देना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और उसी क्रम में आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएंगे, आप इसमें देख सकते हो इस तरह के, जैसे कि यहाँ पर दिए गए हैं माई ब्रदर इज SDM, तो इसमें एन आएगा, आप इसको पूरा देख सकते हो। विल यू प्लीज़ गिव मी सम मनी, इसमें सम आ जाएगा, मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही टू बेड। तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, ये कुछ क्वेश्चन से, ये ग्रामर वाले क्वेश्चन से आप सभी लोग इसको देख लें और नोट करते चले बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 में टू एज डायरेक्टेड दिए गए हैं, आप सभी लोग इसको भी नोट कर लें अच्छे से और आगे आप इन चीज़ों को देख सकते हो। ये प्रश्न है कुछ, आप लोग इनको देख लें और नोट कर लें। और जिन जिन बच्चों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। प्लीज़ मैं आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, पर यार ये समझ में आया कि 3% बच्चे ही सब्सक्राइब करके जाते हैं, तो प्लीज़ यार आप ऐसा ना करें, सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप सभी की मदद मेरे द्वारा होती रहे और मुझे भी कुछ मेहनत का प्रतिफल इसके रूप में मिलता रहे। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं और अच्छे से मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द स्टेट एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। आपको ये पोएम पढ़नी है, ये जो दे रखा है, और उसी के नीचे ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उनके आंसर आपको इसमें से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अथवा में भी दूसरी पॉइंट मिल जाएगी, आप चाहे तो ऊपर वाली कर सकते हो, नीचे वाली आप इसमें से हल कर सकते हो, पूरी की पूरी आप समझ लीजिएगा। और उसी क्रम में आगे कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पैसेज दे रखा है, उसमें से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देख के छांट के लिखने हैं, आप सभी लोग इसको देख सकते हो। अभी आपके पास में अर्धवार्षिक परीक्षाओं को काफ़ी समय, आप चाहे तो बहुत अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो इसकी। और आगे कुछ प्रश्न देखें तो आप ये देख सकते हो, और इसी के अलावा कुछ चीज़ें ये दे रखी हैं, आपको पता होगा। अब आपकी परीक्षाओं में 40 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और 40 अंक के आपके थ्योरी टाइप के प्रश्न होंगे, यानी कि 40 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके आपको उत्तर लिख के आने हैं और 40 ऐसे होंगे जैसे कि सही विकल्प हो गए, सही गलत हो गए, है ना। तो इस तरह के ये आपके 40 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप के या OT टाइप के प्रश्न होंगे, आप इसको समझ लीजिएगा। पेपर का फॉर्मेट आपका आगे से इसी प्रकार का आने वाला है, आप आगे से इसी तरह से तैयारी अपनी करें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको ये कुछ
ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दे रखे हैं, आप सभी लोग इसको देख ले और नोट कर ले। और उसी के क्रम में कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप लोग इसे भी देख ले और नोट कर ले। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी वन, इसमें से दो प्रश्न दे रखे हैं, दो प्रश्नों में से एक किसी भी प्रश्न का हल आपको करना है। और उसी के नीचे कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप लोग इसको भी देख ले और नोट कर लीजिएगा। और इसी के क्रम में आगे देखें तो कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप लोग इनको भी देख ले और नोट कर ले अच्छे से। ये वेरी वेरी IMP प्रश्न है, आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर बहुत अच्छे से याद कर लें। आपके पास में जो भी अध्ययन सामग्री है आप उसमें से इसको देख लें, ये वेरी वेरी IMP प्रश्न है, बहुत ज़्यादा आने की इनकी संभावना है। तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर देख लें अच्छे से और याद कर लें। और उसी के नीचे कुछ प्रश्न ये दे रखे हैं, आप लोग इनको भी देखें और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये लेटर है, आप इसको देख सकते हो, लेटर नहीं है शायद, ये कुछ और चीज़ है जैसे कि विज्ञापन वगैरह, वाटर सप्लाई, हाँ लेटर ही है, और फेब्रुअरी क्लीनिंग द वाटर टैंक, राइट ए नोटिस, ये नोटिस है, आपको नोटिस इसमें तैयार करना है। और उसी के नीचे अगर देखें तो ये भी एक प्रकार का नोटिस टाइप का ही है, तो आपको ये प्रिपेयर कर लेना है दो चीज़ें अच्छे से। और उसी के क्रम में आगे देखें तो कुछ चीज़ें ये दे रखी है, क्वेश्चन नंबर बी में दे रखा है, यू आर नियर श्रीवास्तव, यू फील डिस्टर्ब, आपको ये तैयार करने हैं इसमें से। तो ये आप देख सकते हो, आपको ये लिखना है इसके ऊपर, या आप इसके ऊपर ये भी कर सकते हो। उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको, ये क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर आपको मिलेगा लेटर लिखने को लाउड स्पीकर के ऊपर। और उसी के अथवा में अगर आप चाहे तो आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर दे रखा है एडवाइसिंग हिम रिप्रेइंग ऑफ द स्मोकिंग ऑफ द कंपनी, तो आप ये लेटर दे रखे, आपको ये तैयार करने, आप ऊपर का ये भी समझ सकते हो। और उसी के क्रम में नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट, इतने शब्दों में आपको इसके ऊपर एक पैराग्राफ तैयार करना है इस टॉपिक के ऊपर, तो आप ये करके देख सकते हो। और उसी के नीचे कुछ चीज़ें ये दे रखी है, आप लोग इसके ऊपर भी प्रिपेयर करके आप कर सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 11वीं अंग्रेजी विषय का एक मॉडल पेपर। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक मॉडल पेपर है जिसको, जिसका वीडियो मैंने आपको ये बताने के लिए बनाया है कि आप इसको समझ सके। मॉडल पेपर के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिलती है, तो इसलिए ये एक प्रकार का मॉडल पेपर है। आप पुनः मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि ये एक मॉडल पेपर है जिसका मुझे जिसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसको पूरा समझ सकें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है आपका, और आप इसको आधार पे आप इसकी तैयारी कीजिएगा। इस मॉडल पेपर में से लगभग आपके 60-70% तक प्रश्न आने की संभावना है, आप इसको अच्छे से याद जरूर कर लें। पर इसी के साथ साथ में कुछ चीज़ और पढ़ लें जिससे कि आपके नंबर और अच्छे आ सके। मैं पुनः आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये एक मॉडल पेपर है, आप इसमें जो प्रश्न बताए गए हैं आप उनको जरूर याद करें, पर इसी के साथ साथ में कुछ प्रश्न और आप अच्छे से याद कर लें जिससे कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो सके। ये एक मॉडल पेपर है, आप इसको पूरा हल करके देख लें, इससे कि आपकी परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ में मैं आप सभी को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। नमस्कार।